नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम नगर संग्राम में। उत्तर प्रदेश में चुनावी रंग देखने को मिल रहा है। निकाय चुनाव अब नजदीक है, वहीं भावी प्रत्याशी जनता के बीच जाकर अपना दावा मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में नगर संग्राम की कवरेज के लिए प्राइम टीवी की टीम पहुंची है राजा बिजली पासे प्रथम वार्ड। यहाँ के विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास प्रोग्राम नगर संग्राम में। जी हां, आप सभी जानते हैं कि निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही है और सभी पार्टी अपनी अलग अलग रणनीति लेकर निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। और इसी कड़ी में प्राइम टीवी की टीम जो है लगातार लखनऊ के सभी वार्ड में जाकर उन वार्ड की जनता से उनकी जमीनी हकीकत जान रही है। और इस वक्त हम मौजूद है राजधानी लखनऊ के राजा बिजली पासी के प्रथम वार्ड में और जानते हैं यहाँ के जनता से उनकी जमीनी हकीकत। तो आइए जानते हैं कि यहाँ के जो 5 साल में जो पार्षद है वो क्या काम किए, कितना विकास के काम किए हैं। दादा, यहाँ पे 5 साल में कितना काम हुआ, क्या विकास के काम हुआ है? 5 साल में यहाँ क्या विकास हुआ, इधर इधर देख लीजिए, सब सड़कें खुदी पड़ी है, पार्क देख लीजिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देख लीजिए, सब पड़ा जो कहते हैं टूटा फूटा। अच्छा। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। और सीवर, पानी, बिजली, इसकी क्या? जितने नल हैं सभी खराब पड़े हैं, कोई नल यहाँ पर शुद्ध नहीं है। वो पानी की बातें छोड़ो। हाँ, सीवर लाइन चौक पड़ी है, उसका कोई इंतजाम नहीं, उफलाता है तो सड़कों पर आ जाता है। अच्छा, और ये स्वास्थ्य केंद्र जो बता रहे थे उसका क्या है? वो 15 साल से यहीं पड़ा है। अच्छा, कुछ नहीं बना? कुछ नहीं, कोई आप तो देख रही हैं। फॉगिंग हुआ आपके, अभी फॉगिंग का जो आदेश था, फॉगिंग हुआ आपके वार्ड में? हफ्ते में एक आध बार होती है फॉगिंग। अच्छा, और क्या क्या काम हुआ 5 साल में, कितना विकास के काम हुआ? मैम, विकास तो कुछ भी नहीं दिख रहा, खाली एक रोड बनी हुई है। रोडे बनी हुई और बिजली पानी सब सही है? नहीं, बिजली तो 24 घंटा इसका हम बिल दे रहे हैं तो बिजली हमको मिल ही रही है। पानी की कैसी? पानी की व्यवस्था सुबह शाम आता है 1 घंटे और बाकी हमारे नगर निगम से टंकी लगी हुई है। पार्क जो दिखा रहे, पार्क का भी अभी कौन LDA से अप्रूव्ड हुआ था लेकिन बना नहीं, बना ही नहीं, देखिए ऐसा ही पड़ा हुआ है। अच्छा। और एक बोरिंग है उसमें हुई है, वो भी सप्लाई पानी नहीं चलता है। अच्छा। पानी उन्हीं कोई व्यवस्था सही नहीं है, ठीक से व्यवस्था नहीं है। एक ये बोरिंग है तो सभी लोगों के घर में अपना अपना यहाँ से बाल्टी भर के लगा। सीवर की क्या व्यवस्था है आपकी? सीवर की व्यवस्था ये है कि हमारे घरों में सब टैंक बना रखे हैं, हम लोगों ने चैम्बर बने हुए हैं लेकिन सब लोग टैंक बना रखे हैं, वही इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि सीवर चालू नहीं, वहाँ सब चौक पड़ा हुआ है। सर, आपका क्या कहना है, आप क्या 5 साल में कितना किराए से रहते हैं? अच्छा, तो आइए और भी यहाँ की जो जनता है उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, आप क्या कहना है, 5 साल में कितना विकास हुआ है? 5 साल में यहाँ पर यही सड़क बना है, सिर्फ सड़कें बनी हैं, ये सड़क बना है, बाकी यहाँ की जो मेन समस्या सबसे बड़ी ये पार्क आप देख लीजिए। अच्छा, दूसरा इधर की सारे जगह सड़कें बन गई, इधर की सड़क ही नहीं बनाया। तो आपने पार्षद से जाके बात नहीं की, 5 साल में कितनी बार पार्षद आते हैं क्या काम करने? नहीं, पार्षद यहाँ गए थे हम लोग, काफी बार गए और हम नहीं, पूरा हम मतलब गांव भर इकट्ठा होकर गए जो हमारे मोहल्ले के हैं। जी जी। सबसे बड़ी हमारे यहाँ समस्या जो सीवर की भी है, अब ये लोग जो है 80,000-1,00,000 रुपए खर्च करके टैंक बनवा रहे हैं। सीवर जब से ALDA ने यहाँ बनाया है, चोक लिया पड़ा है जी। वहाँ से इसको साफ कराना है, कई बार वो JCB भिजवाएं भी जी। लेकिन न जाने क्यों उसके बाद काम ही नहीं हुआ। आपके यहाँ पूरी नालियाँ खाली पड़ी है, उसके ढका भी नहीं गया है, पूरी गंदगी से भरी पड़ी है उसकी, तो इसके लिए आपने पार्षद के पास आदेश आया था फॉगिंग करवाने के लिए, कितनी बार फॉगिंग हुआ? फॉगिंग बीच में, फॉगिंग जो है बीच खुद होती रहती है, फॉगिंग का नहीं कहेंगे, बाकी मेन समस्या हम लोग की पार्क है, ये सामुदायिक केंद्र की जगह है, आज तक बना नहीं। अब ये अगर पार्क बन जाए तो इतने जानवर जो हैं इसमें जो रुके हैं नहीं रुकेंगे। दूसरा, सड़क नहीं बनी। तीसरा, सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो सीवर लाइन की है। सीवर लाइन की वजह से अब हम लोग अब क्या करें, 80,000-1,00,000 रुपए खर्च करके टैंक बनवा रहे हैं, बाकी नालियों अगर आते हैं बीच बीच में आते हैं ऐसा। पाँच साल में कितनी बार आए पार्षद आपके यहाँ दौरा करने, समस्या सुनते हैं कि नहीं पार्षद? हाँ, अभी तक वो जो पार्षद थे अगर हम लोग जाते थे तो ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन अब ये है जो काम नहीं हुआ तो हम लोग कहेंगे, जैसे अब इधर ये सड़क नहीं बनी है, सीवर लाइन का मामला है, पार्क की कंडीशन देख लीजिए, पार्क का हम लोग सबसे पीछे पड़े थे पार्क के लिए, कई बार गए जी। वो उन्होंने कहा हमने लिख के दे दिया है, दे दिया, लेकिन अब कई बार लोग आए भी
इसकी भी वो हुआ क्या नाम है फोटो खींचा गया, सामुदायिक केंद्र है, रजिस्ट्री बाकायदा दर्ज है, लोग आए फोटो खींचा, नपाई हुई, लेकिन हुआ नहीं कुछ, बना नहीं। तो बाबा आप क्या कहना चाह रहे हैं, कितना विकास हुआ है 5 साल में आपके वार्ड में? 5 साल में जो है, मेरा नाम छत्रपाल है जी, जी, जी। और 5 साल में जो है जी। लगभग जो है कुछ सड़क बनी पाई है, सिर्फ सड़कें बनी पाँच साल में, वो भी सब नहीं बनी। अच्छा, तो आपने और से जाके बात नहीं किया? आपने बात किया, कई बार किया जी। सब लोगों, कुछ लोग गए भी जी। हमने भी फोन पे बात किया, कहा ठीक है हम करवा देंगे, करवा सुनते हैं, लेकिन उस पर काम नहीं, काम नहीं हो रहा। तो अभी तो चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव में क्या काम करेंगे वो लग रहा है आपको कि आगे आने वाले जो अगर पार्ट? हमें तो आशा उम्मीद कुछ नहीं लग रही कि अब होना संभव है जी, जी। हाँ? दादा आप तो यहाँ से बहुत सालों से रह रहेंगे तो कितना विकास हुआ है जी? नहीं, हम लोग यहाँ विस्थापित किए गए थे। अच्छा। 2007 में। अच्छा। 2007 में हम लोग यहाँ विस्थापित किए थे LDA द्वारा। अच्छा। रमाबाई पार्क के, मेरा पहले गाँव पीछे रमाबाई पार्क के अंदर था, वहाँ से हटा करके यहाँ नए सिरे से विस्थापित किया गया जी। उसमें तब से विकास हुआ है आपका? तब से विकास क्या हुआ, कई बार हम लोगों ने LDA के काफी चक्कर लगाए जी। तब जाकर ये डामर रोड बनी थी। अच्छा। उसके बाद जो है सीवर की हुई, सीवर जो है जब से जो है बना है सही रूप से चालू नहीं हुआ। अच्छा, पानी का क्या व्यवस्था है यहाँ पे? पानी पाइपलाइन चल रही है। अच्छा, चल रही है, परंतु उसमें जो है 3 फुट से ऊपर पानी नहीं चढ़ रहा है मकानों पे। तो ये सारी समस्याएं अपने पार्षद को बताते हैं आप? हाँ, हम लोग बताएं, कई बार बताएं, लेकिन उस पे काम नहीं हो रहा है। इस पे कहें करवा देंगे, करो, कई लोग गांव वाले भी जो है अपने जो है स्वेच्छा से जो है सीवर लाइन को जो है अपने अपने घरों से चंदा लेके करवाया जी, जी, जी। आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना विकास हुआ 5 साल में, क्या क्या काम हुआ यहाँ पे? विकास तो मान के चलिए ना के बराबर है, एक ही दो रोड बनी है, पुराने गांव की रोड हमारे जो बना दिया है सभासद ने उसी के माध्यम से बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ जो ये एक तो सीवर की है, ये सीवर अगर कनेक्ट हो जाए, अभी सबके घरों के सामने चैम्बर तो बने हुए हैं लेकिन कहीं से चालू नहीं रखा है। सभासद के पास जितनी बार जाते हैं, मिलते हैं, आने के लिए वो 15 दिन में आ जाती हैं, मिलती हैं, ऐसा नहीं कि मिलती नहीं है। क्या नाम है सर पार्षद जी? वीना रावत जी। जी, वीना रावत जी। हाँ, उन्हीं के माध्यम से ये पानी की टंकी भी लगी है, ऐसा नहीं है, खैर उन्होंने ये व्यवस्था की, ये रोड उन्हीं की ही बनाई हुई है, इसके पीछे वाली रोड भी उन्होंने ही बनाई है। पुराने गाँव में भी कुछ सीवर उवर चालू करा दिया है लेकिन वो कनेक्ट अभी नहीं है कि कहीं पानी बाहर जाए, सब नालियों के माध्यम से ही जा रहा है पानी। हम लोग देख रहे सर, पूरा नाली आपके गंदगी से भरी है, तो सब फॉगिंग हुआ है कि नहीं? फॉगिंग हफ्ते में एक बार होती है, वो भी कभी दोपहर में आ गए, कभी शाम को आ गए 5 बजे 4 बजे जी। उसके अलावा निकलते हैं नहीं। तो कुछ मतलब सिर्फ सड़कें छोड़कर और कोई विकास के काम या नया काम नहीं हुआ? नया काम तो कोई नहीं हुआ है। तो आपने ये शिकायतें? शिकायत मैम कितने बार पढ़ना मतलब लिखा पढ़ी कर करके वहाँ देते रहते हैं, बस ठीक है हो जाएगा, उसके बाद दोबारा कोई दिखाई नहीं देता यहाँ पे जी। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले जो पार्षद है क्या इस काम को करेंगे, जो पार्षद आएंगे? अब देखिए, चुनने के लिए तो हम लोग चाहते हैं कि मतलब अच्छा से अच्छा जो पार्षद चुने वो हमारा काम करे जी। लेकिन कोशिश करते हैं कि मतलब, लेकिन अब वो किस तरीके से, उसको कहता हमको वहाँ से पैसा नहीं मिला, हम कैसे कर देंगे, अपने पैसे से तो नहीं करेंगे, जो पैसा पास होगा तभी हम कराएंगे। पैसा तो पास होता है सिर्फ यही काम करने के लिए, तो वो बोतल केवल आप ही के गाँव में थोड़ी लगाएंगे, हमारे लिए 10 गाँव है, 10 ही गाँव में हम लगाएंगे पैसा जी। तो 10 गाँव के लिए पैसा होता है, ये तो है नहीं कि सिर्फ एक ही गाँव, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन अब वो कहते हैं एक रोड बना दी, अब ये रोड पड़ी हुई है, घास और देख मच्छर इसमें उगते हुए हैं जी, बिल्कुल। और दूसरी चीज है यहाँ झाड़ू लगाने, अपने अपने दरवाजे रोज हम लोग झाड़ू लगाते हैं, कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं आता, कोई नहीं आता है, महीनों क्या है, एक बार जब मंत्री निकलता है रोड सर, उस समय ये सफाई हो जाती है, मंत्री के आने के बाद सफाई होती है, उसके बाद सफाई कोई नहीं होती। अब देखिए झाड़ू हम लोग खुद ही लगा करके रोज सुबह अपना झाड़ू लगा के फेंकते हैं कूड़ा। तो आइए यहाँ के जो और महिलाएं उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या यहाँ पे दिक्कत है, उनको क्या कहना चाह रही हैं। मैम आप बताइए क्या समस्या है आपके वार्ड में? चाची बताओ। नहीं चाची पूछो, बताइए क्या समस्या है? यहाँ बहुत सारी समस्या है, जो है जैसे पार्क दिख रहा है पूरा खुला पड़ा, आपकी जो ये नालियाँ वो भी गंदगी से भरी हुई, तो इसके लिए आप लोग शिकायत नहीं करते? नहीं करते हम लोग, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं होती है। आपको क्या दिख रही है समस्या आपके वार्ड में? ये देखो सब खुला पड़ी गंदगी मची पड़ी है। अच्छा, यही सब है, मतलब ये फॉगिंग होता है, जो भी आदेश आया था डेंगू इतना फैल रहा था, तो उसके लिए फॉगिंग हुई? कुछ नहीं सुनवाई यहाँ होती है, कुछ सुनवाई नहीं होती है। अच्छा दादी आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगी?
यहाँ कोई सफाई कोई नहीं कुछ करैया है। या देखो सब सड़क ऐसे पड़ी है, भदिया उड़ा रही लड़का वो कई रहे हैं, गंदगी देखो उधर घूर पड़ा है। अच्छा, हमारे मोहरे एक सामने कहो तो को मानत नहीं। अच्छा, आइए और भी यहाँ जो महिला उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए मैम, क्या क्या समस्या है आपके वार्ड में? अब आप दीदी जी देखिए, सीवर सारे भरे हैं, पानी नहीं निकलता। अच्छा, सीवर की समस्या है। सीवर की, रोड की, घास वास देखो ये पारिक सब ऐसे पड़ी है, कोई सुनवाई नहीं। रीना रावत के लगे हमने कई बार गया है, कोई सुनवाई नहीं करती है। अच्छा, और पानी उन्हीं कैसी समस्या? पानी सुबह शाम आता, कभी आता कभी आता ही नहीं, पानी भी नहीं आता। अच्छा, पानी भी नहीं आता? नहीं, पानी भी नहीं आता है। और क्या समस्या आपको लग रहा है? और क्या, यही रोड वोट सब बन जाए और क्या समस्या, सीवर सही हो जाए। अच्छा, तो आपने देखा यहाँ के जो महिलाएं हैं या पुरुष, सबका यही कहना है कि यहाँ सिर्फ एक सड़कें बनी हैं, यहाँ पे जो सीवर हो गया, या आप देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ के पार्कें हैं वहाँ पे गाय बैठी हुई हैं और कूड़ा पूरा है, और ये आप देख सकते हैं पूरा साफ तौर पे यहाँ जो नालियाँ हैं वो गंदगी से भरी पड़ी हुई है और इसकी भी साफ सफाई नहीं होती है। और यहाँ भी आपको पूरी तरह से जो कच्ची सड़कें अभी वो भी नहीं बनवाया गया है, कहीं कहीं सड़कें बनवा काम किया गया सड़कों पर, और कहीं वैसे ही कच्ची सड़कें दिख रही है। यहाँ पे जो महिलाएं उनको भी खास तौर पे यही कहना है कि यहाँ जो पानी है वो भी बहुत ही गंदा आता है, उस पीने योग्य नहीं हो जाता है, और यहाँ पे जो बिजली है वो थोड़ा बहुत सही आ रहा है। यहाँ पे जो पार्षद हैं वो कुछ ही काम करवाई हैं, और लेकिन जो मान लीजिए यहाँ की जो नालियाँ हो गया, यहाँ के पार्क हो गए और सड़कें, उस पर काम नहीं हुआ है। तो और भी जो जनता है वो खास तौर पे कह रहे हैं कि इनके जो पार्षद है वो काम नहीं करवाए हैं। अब देखिए आगे जो पार्षद बनते हैं क्या इस पे काम करते हैं या नहीं करते हैं, तो और भी इनके जो जनता है उनसे हम बात करेंगे। 5 साल में ये रोडें बनी हैं, खाली रोडें बनी हैं। हाँ, केवल रोड। और क्या क्या समस्या दिख रही है आपके वार्ड में? समस्या सिविल लाइन कनेक्ट हो जाए, ये पार्क जो है सौंदर्यीकरण हो जाए, और जो ये रोड बन जाए, ये बगल वाला रोड बन जाए, बस यही चाहते हैं हम। मतलब कुछ ही सड़कों का हुआ है निवारण और सड़कें ऐसी तरह खाली पड़ी हुई है, नहीं कच्ची सड़कें बनी बस ये मेन पड़ती है इसलिए इसको बना दिया। अच्छा। अंदर वाली जैसे अंदर कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ मंत्री आते तभी साफ सफाई, नगर निगम की तरफ से भी कुछ नहीं कोई नहीं आता है साफ सफाई का। अरे मंत्री जो है सही पर रोड है, तो इसलिए जो है मंत्री गुजरते हैं तो उस दिन सफाई होती है, और बाकी जो है लगते हैं। पार्षद आते हैं आपके यहाँ दौरा करने, कितनी आए हैं? अरे पार्षद तो आते हैं, वो जो है आश्वासन भी देते हैं, हाँ हो जाएगा, आश्वासन सिर्फ देते काम नहीं करते। हाँ, काम मतलब जो यही हुआ है बस, बाकी जो है एक बार मशीन ला के यहाँ वापस लेके चले गए कि मतलब जो है कि यहाँ हाँ कनेक्ट कर देंगे, और फिर भी नहीं हुआ। अच्छा, तो आपने देखा यहाँ के जो जनता है वो साफ तौर पर कहना है कि जो उनके पार्षद हैं वो बहुत ही कम जो काम करवाए हैं हमारे वार्ड के, जैसे सड़कें सिर्फ बनवाए हैं दिखाने के लिए, वो भी जो कि मेन रोड पे, जब भी इनके मंत्री आते हैं वही सिर्फ साफ सफाई होता है, नहीं तो पूरे इनकी जो नालियाँ हैं या वो सामुदायिक केंद्र है या इनके जो पार्क है उस पर कुछ भी काम 5 साल में नहीं हुआ है। यहाँ की जो महिलाएँ हैं वो उनका भी यही साफ तौर पर कहना है कि हमारे वार्ड में 5 साल में कुछ भी विकास के काम नहीं हुआ है। तो इसी तरह हम और भी आपको वार्ड की जो जनता है उनकी जमीनी हकीकत दिखाएंगे, तब तक के बने रहिए आप नगर संग्राम में। कैमरामैन विजय के साथ सुहानी सिंह, लखनऊ। नगर संग्राम में आज के लिए बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बाल पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर, न कोई शोर शराबा न कोई एजेंडा, जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल, जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम, पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम, निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम टीवी